तो कैसे हैं आप लोग? मुझे पता है सब बढ़िया होंगे। तो हॉस्टल डेज सीजन 4 यानी हॉस्टल डेज का फाइनल सीजन आ चुका है अमेजोन प्राइम वीडियो पर। इस शो का पहला सीजन टीवीएफ द्वारा 2019 में लाया गया था, जिसमें चार दोस्तों की कहानी है जो अपने कॉलेज लाइफ दौरान हॉस्टल में रहने आते हैं और वहां आकर वो हॉस्टल में कैसे एक दूसरे से मिलते हैं, कैसे दोस्त बनते हैं, उन सब के बीच झगड़े, प्यार वाली नोकझोंके आपको इस शो में देखने को मिलेगी। ये शो एक फुल ऑन ड्रामा सीरीज है जिसमें काफी अच्छे अच्छे एक्टर्स एक्टिंग करते हुए दिखते हैं। स्पेशली मुझे निखिल विजय की एक्टिंग जबरदस्त लगी। उनके बोलने का तरीका, उनकी कॉमिक टाइमिंग बहुत अच्छी तरह से मैच होती है, जिससे वो आपको खुल के हंसने पर मजबूर कर देते हैं। बात करें फाइनल सीजन की, तो ये चौथा सीजन लास्ट सीजन है, तो इतना तो पक्का था कि ये वाला सीजन बहुत इमोशनल होने वाला था। और यकीन मानो, ये सीजन आपको इतना तो इमोशनल कर ही देगा कि आपको अपने बचपन के दोस्त या स्कूल फ्रेंड तो याद आ ही जाएंगे। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ये शो मुझे इतना इमोशनली हिट करेगा। मैं बस ऑलमोस्ट रो ही दिया था। ये चीज इस शो को मेरे लिए खास बनाती है। इस शो में ना तो कोई बड़ा एक्टर है और ना तो कोई ऐसी बात जो इस शो में पॉपुलर हो, लेकिन इन सब के बावजूद भी शो इसलिए हिट रहा क्योंकि हम शो के हर एक सीन से रिलेट कर जाते हैं। ये शो एक मिनी सीरीज की तरह ही स्टार्ट हुआ था, जिसके हर एक सीजन में 4 से 5 एपिसोड होते थे जो लगभग 30 से 40 मिनट के थे, लेकिन सीजन 4 में एपिसोड की लेंथ बढ़ाई गई है क्योंकि कैरेक्टर आर्क्स को खत्म करना होता है, जो जरूरी भी था। लेकिन ये शो ऐसा जादू करता है कि आपको पता भी नहीं चलता कि शो के एपिसोड कब खत्म होए जा रहे हैं। इससे एक बात याद आई, नेटफ्लिक्स कुछ सीखो इनसे, शो कैसे एंड किया जाता है, कौन से नशे करते हो भाई। खैर छोड़ो अपने को, क्या अपन आगे बढ़ते हैं। अगर आप अपना बचपन या स्कूल लाइफ या कॉलेज लाइफ याद करना चाहते हो तो मुझे नहीं लगता कि शायद इससे बढ़िया भी कोई ऑप्शन होगा। शो की अलग फीलिंग है, अलग वाइब है जो आपको इमोशन से भरी कहानी दिखाती है, जिसमें आप हर एक इमोशन को अच्छी तरह से फील करेंगे। कॉलेज लाइफ में एग्जाम का प्रेशर, दोस्ती, यारी, प्यार, हर वो चीज जिसको आपने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया हो, वो सब चीजें आपको इस शो में देखने को मिल जाएगी। और ऊपर से शो मिनी सीरीज टाइप है तो आपको शो लंबा भी नहीं लगेगा। शो काफी बढ़िया है, ये तो मानना पड़ेगा कि टीवीएफ के पास खजाना है कहानियों का, जो इतने अच्छे अच्छे शो हमें देखने को मिल रहे हैं। शो में काफी गालियां और छोटे मोटे ऐसे वैसे सीन्स भी है, तो आप कैसे देखना चाहते हो वो आप खुद तय कर लेना, लेकिन कसम से शो एंड होते होते आपकी आंखों में से आंसू तो जरूर निकल ही आएंगे। मुझे तो शो काफी बढ़िया लगा। अगर आपने ये शो देख लिया है तो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। जय हिंद।